हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं एमटीएफई कंपनी के बारे में, जहां पे इसके विड्रॉल आने के बाद थे, मंडे से विड्रॉल आना यहां पे शुरू हो जाना था, लेकिन आज इसके विड्रॉल यहां पे बंद हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे में आपको लॉजिक आपको बताऊंगा जो ये बता रही है कि एमटीएफई कंपनी अब यहाँ से मे बी 99% चांस है कि अब आपको ये विड्रॉल नहीं देगी। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन फिर जो इसने विड्रॉल का डेट रखा है इसके ऊपर बात करेंगे। और ये सेम लाइक बोरा बैंड की तरह कर रही है, शायद आपने इसका नाम सुना हो, जो कि लगभग 12 जुलाई से ही विड्रॉल देने के बाद थे, लेकिन आज तक इसके कोई भी विड्रॉल नहीं मिले हैं। 12 जुलाई के बाद कोई भी विड्रॉल यहां पर नहीं मिले, तो सेम लाइक अब एमटीएफई भी इसी सीन पर करने वाली है। तो क्या नई अपडेट है इसके ऊपर बात करेंगे, तो मैक्सो वीडियो को आप पूरा देखो। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां पर मैं फॉरेक्स के कॉल शेयर करता हूं, तो आप उसे यहां पे उसका बेनिफिट आप यहां पे ले सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि एमटीएफई का नई अपडेट क्या है। तो मंडे से विड्रॉल आना यहां पे था, मंडे को बात हुई थी कि यहां पे विड्रॉल मिलेंगे। मैंने कुछ लोगों से भी बात किया था जो एमटीएफई कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी यहां पर बता रही है कि वो कुछ अपने सिक्योरिटी को अपडेट कर रहे हैं, जिस कारण से इसमें विड्रॉल नहीं मिल रहे। और साथ में यहाँ पे कुछ लोगों का भी कहना है, मतलब जो भी इसने यहाँ पर ज्वाइन किया है, कुछ लीडर से जिससे मैंने बात की है, तो वहाँ पे मालूम चला है कि जो इसके एआई जो रोबोट है वो भी यहाँ पर ऑफ हो गए हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि ओपन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे ऑफ ही यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब उसके जो एआई रोबोट है वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जो इसके नए विड्रॉल का टाइम है वो है 22 तारीख को, 22 अगस्त से। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन सेम लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, बोरा बैंड जो कि 12 तारीख को बात हुई थी कि ये विड्रॉल देगा, लेकिन इसके बाद 12 गए, फिर 20 गए, फिर 1 गई और फिर अगस्त आ गई, अभी तक तो कोई भी विड्रॉल नहीं मिले। तो टोटल अगर हम क्लियर वर्ड पे बात करें तो बोरा बैंड यहाँ पे बंद हो चुका है। अब यहाँ पे अगर अपडेट के बारे में देखो तो अब क्या क्या इसने अपडेट किया था कि बोरा बैंड एनएसक्यू आ जाएगा, नए प्लेटफॉर्म आएगी, काफी सारे इसने अपडेट बताया था, बट ऐसा कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। वेबसाइट अभी भी चल रही है बट विड्रॉल बंद हो जाते हैं, ऐसा ही होता है इस तरह के कंपनी में। मैंने बहुत सारी कंपनी में काम किए और उसमें से ज़्यादातर मैं 99% पे मैंने एक ही चीज़ देखा है कि जो वेबसाइट होती है वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने चलते रहते हैं, वो वेबसाइट को बंद नहीं करता। क्योंकि अगर वो वेबसाइट को बंद करेगा तो एक तरह का आप ये समझो ये न्यूज वायरल हो जाएगी। तो यहाँ ये जो कंपनीज होते हैं ये अपने इन सब चीज़ों को बारे में जानते हैं, वो जानबूझकर वेबसाइट को बंद नहीं करते ताकि ज़्यादा ये शोर ना हो, ज़्यादा हल्ला ना हो, बट विड्रॉल ये बंद कर देते हैं। तो विड्रॉल जब बंद होती है तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि अगर इसकी वेबसाइट चल रही है तो विड्रॉल मुझे मिलेगा, बट 6 महीने, 8 महीने, साल भर ऐसे चले जाने के बाद जब उम्मीद सब खत्म हो जाती है तो ये कंपनी भी अपनी वेबसाइट यहाँ पर बंद कर देती है। तो यही सब सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है। बाकी अभी टीएफई का टोटल विड्रॉल यहाँ पे रुका हुआ है, मे बी उन लोगों को विड्रॉल मिल रहा होगा जो नए डिपॉजिट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अब वो पुराने पैसे को विड्रॉल नहीं दे रहे, बल्कि जो न्यू पैसे उसके पास आ रहे हैं उसी को वो आपको रिटर्न कर रहे हैं। बाकी इससे पहले भी मैंने आपको बताया इसकी वेबसाइट कुछ खास यहाँ पे नहीं है, ये सारा यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हो की इन्फॉर्मेशन एनालाइज टू ग्रैप। तो ये जितने भी है ये एक टेम्पलेट इसने लगा रखा है, इसमें आप क्लिक करोगे तो इसमें कुछ भी एनालाइज वगैरह आपको नहीं दिखेगी। साथ में एक जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो अपने कुछ सोशल मीडिया अकाउंट देते हैं, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, जहाँ पे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इशू भी आती है तो मे बी आप उसका सॉल्व नहीं कर पाओगे। बाकी आप अगर गूगल पे सर्च करोगे इज एमटीएफई स्कैम और नोट, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोटल आपको कुछ भी कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। द ट्रूथ इज एमटीएफई स्कैम इज नॉट अंडर वैलिड रेगुलेशन बाय एनी रेगुलेटर टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट सर्विस। इन्वेस्टर्स फंड इन दिस कंपनी आर अनसेफ एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय एनी लॉ। इट इज ए स्कैम, इन्वेस्टर आर एडवाइज्ड अगेंस्ट डीलिंग विद इट एज एमटीएफई ट्रेडिंग सर्विस इज फेक। तो आप कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हो, गूगल आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है कि एमटीएफई क्या है और क्या इसमें आप पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर इसके कुछ रिव्यू देख सकते हो, ट्रस्ट पायलट का यहाँ पे कुछ रिव्यूज है, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया है तो इसे आप देख सकते हो। डियर सर, आई मेट ट्रांसफर लास्ट मंडे फ्रॉम माई एसेट टू वॉलेट, स्टिल नॉट कम, प्लीज हेल्प मी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही है।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, देर इज नो सपोर्ट फ्रॉम एमटीएफई, द एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट बी रीच्ड इन द इनविट। तो किसी तरह का कोई सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पे, कोई तरह का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल ये स्कैम करेगी, तो आपको किसी के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के कंपनी में काम करना है तो उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, या फिर आप इन्वेस्ट मत करना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिस्की भी हो जाता है। बाकी नेक्स्ट जो विड्रॉल का डेट है वो 22 तारीख को उसने रखा है, तो अगर 22 को विड्रॉल आपके मिल जाते हैं तो इंस्टेंट पैसे निकाल लो और फिर थोड़ा दूर रहो इस तरह कंपनी से, क्योंकि चांसेस है कि अब जो टाइमिंग चल रही है एमटीएफई का वो यहाँ पे जाने का टाइम हो चुका है। अगर ये 22 को विड्रॉल नहीं देते हैं तो 100% ये यहाँ से भाग गई होगी, या आप यहाँ पे समझ लेना। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपका विड्रॉल यहाँ पे मिले, क्योंकि किसी के भी पैसे अटक जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उनके काफ़ी काम के पैसे होते हैं। बट ये कंपनीज का रूल ही ऐसा होता है, ये सारे जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी होते हैं वो कुछ टाइम चलते हैं, साल दो साल तीन साल, उसके बाद उसका वही हाल होता है जो शुरू से आज तक इस तरह की कंपनी का होता आ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है 22 तारीख को। मैं भी एक वीडियो आएगी एमटीएफई की, जो भी यहाँ पर अपडेट होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे होगी। तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन किया हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद।